स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा। टुडे इज अवर जीके क्लास एंड टुडे वी डू द टॉपिक ऑल अराउंड अस। ये है पेज नंबर 29 पे। ब्रिक टू वॉल। रीड द नेम्स ऑफ सम मटेरियल्स। सर्कल द थिंग्स दैट आर मेड फॉर देम। जैसे कॉटन, कॉटन से काइट, टी शर्ट या बॉल, इन तीनों में से कौन सी चीज़ है जो कॉटन से बनती है? टी शर्ट है। तो इस टी शर्ट को हम सर्कल करेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट वन, वुल। वुल मतलब ऊन। ये दी है टोपा दिया हुआ है ना, जो ऊन से बनता है। फिर ये शूज़ दिए हुए हैं और ये अम्ब्रेला दिया हुआ है। तो क्या बनेगा? ये कैप है जो वुलन कैप है ना, ये बनेगी वुल से, तो इसको हम सर्कल करेंगे। थर्ड इस पे दिया है ग्लास। अब यहाँ पे देखो बैग बने हैं, ये ग्लास है और एक बेल्ट है। तो ये जो मिरर है ये ग्लास से बना हुआ है ना, तो हम इस पर सर्कल करेंगे। फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ है क्ले। तो सॉक्स, बॉटल या दिया, तो क्ले से क्या बनता है? दिया बनता है। तो हम दिया, क्ले मतलब मिट्टी, मिट्टी से क्या बनता है? दिया। तो इस दिया पे सर्कल करेंगे। लास्ट में लिखा हुआ है पेपर। इसमें बुक दी है, बलून दिया है और एक बैट दिया है। अब बुक किससे बनती है? बुक बनती है पेपर से, तो हम इस पेपर पे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखो, ऑल अराउंड अस में रेन रेन गो अवे। लुक एट द पिक्चर्स। राइट द नेम्स ऑफ द सीजन। चूज फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में सीजन के नेम्स दिए हुए हैं, जैसे मॉनसून, विंटर, स्प्रिंग, समर। फर्स्ट पिक्चर में देखो, बच्चे खेल रहे हैं अम्ब्रेला लेके और ये बारिश आ रही है, तो बारिश का है मौसम मॉनसून, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर में देखो आप, ये लड़की जूस पी रही है, कूलर चल रहा है, तो वो कौन सा मौसम होता है? समर का। थर्ड पिक्चर देखो, सब बच्चे क्या पी रहे हैं? गर्म दूध चाय पी रहे हैं, साथ में स्वेटर और कैप लगा के बैठे हैं, मतलब ये कौन सा सीजन होगा? विंटर। नेक्स्ट पिक्चर देखो, इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं? गार्डन में खेल रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं, ये वाला स्प्रिंग सीजन होगा, स्प्रिंग सीजन। डू यू नो इन विच सीजन डू वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल? होली और क्रिसमस, ये दोनों जो हमारे फेस्टिवल हैं वो कौन से सीजन में सेलिब्रेट किए जाते हैं, ये आपको लिखना है। नाउ लुक एट द टाइम। अब हम टाइम देखेंगे। रीड व्हेन अमन हैज हिज मील। ड्रॉ हैंड्स ऑन द क्लॉक टू शो द टाइम। पिक्चर्स बनी हैं, इसमें देखो ब्रेकफास्ट एट 7 AM। सुबह 7 बजे अमन ब्रेकफास्ट कर रहा है, तो हम इसको पिक्चर शो करनी है। तो क्या होगा, इसमें जो शॉर्ट हैंड होगा वो 7 पे होगा, लॉन्ग हैंड 12 पे होगा, मतलब 7 बजे हैं। नेक्स्ट लंच एट 2 PM। दोपहर को 2 बजे वो लंच कर रहा है, तो हमारा शॉर्ट हैंड 2 पे होगा, लॉन्ग हैंड 12 पे, मतलब 2 बजे। डिनर एट 8:30 PM। रात को 8:30 बजे खाना खा रहा है, तो हमारा शॉर्ट हैंड होगा 8 पे, लॉन्ग हैंड होगा 6 पे। टेक द वंस यू कैन यूज टू चेक द टाइम। हम टाइम देखने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? फर्स्ट वन यहाँ पे देखो कैलेंडर है। नेक्स्ट वन पिक्चर जो बनी है वो है कैलकुलेटर। थर्ड वन पिक्चर है क्लॉक का, है ना, वॉल क्लॉक है ये। उसके बाद ये वाली देखो रिस्ट वॉच है, एंड देन ये क्या है? मोबाइल। तो अब आप लोग बताओ कि हम क्या यूज़ करेंगे टाइम चेक करने के लिए? जिन चीज़ों पे हम अपना टाइम देख सकते हैं वो कौन सी होगी? वॉल क्लॉक होगी, देन रिस्ट वॉच होगी और तीसरा मोबाइल। इन तीनों में हम टाइम देख सकते हैं, है ना। तो तीनों पे हम राइट का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट पेज ऑल अराउंड अस में है प्ले सम ट्यून्स। डू यू लाइक म्यूजिक? क्या आपको म्यूजिक अच्छा लगता है? दीज आर सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। राइट द करेक्ट लेटर इन द सर्कल। यहाँ पे देखो नेम्स दिए, ड्रम्स, तबला, गिटार, हारमोनियम, फ्लूट और पियानो। ये कुछ नेम्स दिए हुए हैं और आगे पिक्चर्स बनी है। हमें क्या करना है, कौन सा पिक्चर किस चीज़ का है उसका नाम लिखना है। फर्स्ट वन देखो आप, ये क्या है?
बांसुरी, बांसुरी को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूट। फ्लूट काय पे लिखा है? ई नंबर पे लिखा है, तो हम सर्कल में लिखेंगे ई। नेक्स्ट वन देखो, ये क्या चीज़ है? पियानो। पियानो, पियानो कौन सी इस पे दिया है? एफ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ। नेक्स्ट पिक्चर क्या है ये? तबला। तबला किस ऑप्शन पे लिखा है? बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी। उसके बाद ये क्या है? गिटार। ठीक है, गिटार का ऑप्शन क्या लिखा है? सी, तो यहाँ पे लिखेंगे सी। नेक्स्ट वन ये है ड्रम्स। ड्रम्स दिए हैं ए इस पे, तो हम लिखेंगे ए। ओके, उसके बाद ये पिक्चर है हारमोनियम का, है ना, और हारमोनियम का ऑप्शन दिया है डी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी। आपको सारी नेक्स्ट पेज पे हम करेंगे हैंडी टूल्स। व्हाट आर दीज पीपल यूजिंग? सर्कल द करेक्ट वर्ड। सी, फर्स्ट पिक्चर एक लड़के को बुखार है और उसका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, तो थर्मामीटर, स्केल या स्पून, किससे टेम्परेचर चेक होता है? थर्मामीटर, तो थर्मामीटर पे सर्कल बनाया। नेक्स्ट चीज पिक्चर देखो क्या है ये, इसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं, तो कैलकुलेशन किस में होती है? कंप्यूटर, कैलकुलेटर और टेलीफोन। करेक्ट आंसर इज नंबर टू पे दिया हुआ कैलकुलेटर, तो हम उस पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट पिक्चर देखो, बेलन, इससे घर पे हम रोटी बनाते हैं ना, तो ये रोलिंग पिन है, ग्रेटर है कि बैट है? दिस इज रोलिंग पैन, तो फर्स्ट में जो रोलिंग पिन, तो हम रोलिंग पिन पे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट पिक्चर देखो, इस ये है केन जिसे हम अपने गार्डन में पानी देते हैं, तो इज दिस वाटरिंग कैन, गार्डन पाइप और वाटर पम्प। दिस इज वाटरिंग कैन, फर्स्ट नंबर पे जो है उस पे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट पिक्चर देखो, ये है हथौड़ा जो हमें कील ठोकने के काम आता है ना, आपने सब में घर देख अपने घर देखा होगा, तो इज दिस शार्पनर, निडल और हैमर। व्हाट इज दिस? हथौड़े को इंग्लिश में कहते हैं हैमर, तो ये है हैमर, तो हम इसमें हैमर जो थर्ड नंबर पे है उसको सर्कल कर देंगे। स्केल आर यूज टू मेजर्स मैनी थिंग, मैच दीज स्केल्स विद देयर नेम्स। अब ये पिक्चर्स दिए हुए हैं, इसमें दिया है रूलर, मेजरिंग टेप, बॉडी वेइंग स्केल एंड फुट वेइंग स्केल। आपको इस पे मैच करना है। फर्स्ट वन रूलर, इसको हम फोर्थ नंबर पे मैच करेंगे। नेक्स्ट वन इज मेजरिंग टेप, ये कपड़ा वगैरह के नापने के काम आता है, तो दिस इज मेजरिंग टेप जो फर्स्ट नंबर पे दिया है। थर्ड नंबर पे है बॉडी वेइंग स्केल, जो थर्ड नंबर पे दिए उससे मैच करेंगे, हम हमारा वजन नापने के लिए स्केल का यूज़ करते हैं। फोर्थ है फूड वेइंग स्केल, जो टू नंबर पे दिया है फूड वेइंग स्केल, उसको हम क्लिक करेंगे, कोई भी सामान, फल फ्रूट सब्जी हम खरीदते हैं तो इसका यूज़ करते हैं, तो हम इसको टू नंबर पे फूड वेइंग स्केल को मैच करेंगे। नाउ स्टूडेंट, डू ऑल दिस एक्सरसाइज इन योर बुक ओनली। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट जीके क्लास ऑन नेक्स्ट सैटरडे। टिल देन थैंक यू। हरे कृष्णा।